दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं ई डिस्ट्रिक्ट में सिटीजन लॉगिन ई साथी की सर्विस दी गई है। यहां से दोस्तों आप लोग अब राशन कार्ड भी बना सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जैसे ही यहां पे आप लोग आते हैं, नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, फीस सबमिट करते हैं, तो दोस्तों यहां पे आने के बाद दोस्तों जैसे डिटेल फिल करके आप लोग सबमिट करते हैं, दोस्तों कुछ इस प्रकार से एरर देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये पेज एरर हो जा रहा है, तो दोस्तों इसका निस्तारण कैसे करेंगे, इसका दोस्तों क्यों एरर आ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे सकूं। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू कर लेता हूं। दोस्तों आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट खोल लेना है। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस साइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा सिटीजन लॉग इन ई साथी। दोस्तों यहां पे सिटीजन लॉगिन ई साथी के पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे दोस्तों आप लोगों को आईडी पासवर्ड डालना है। यहां पे दोस्तों आप लोगों को अपनी आईडी डालेंगे, यहां पे पासवर्ड, ये कैप्चा दोस्तों जो देख रहे हैं ये कैप्चा दोस्तों यहां पे फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के पास जो है आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। छोटा सा फॉर्म है दोस्तों, इसको आप लोग फिल कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को आईडी पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग लॉग इन करेंगे। इसे लॉग इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों दो सर्विसेज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों आप पहली सर्विस देखने को मिलेगी ई साथी सर्विस, दूसरी दोस्तों यहाँ पे ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमको दूसरे ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाता है खाद्य एवं रसद विभाग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पांचवें नंबर पे जो दोस्तों देखने को मिल रहा है नवीन राशन कार्ड। दोस्तों यहाँ पे नवीन राशन कार्ड की सेवा जोड़ दी गई है, तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एकीकृत सेवाओं के लिए आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को खाद्य एवं रसद विभाग का है, नवीन राशन कार्ड है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी दोस्तों यहाँ पे संशोधन या दोस्तों यहाँ पे कोई जैसे यूनिट कटनी है या जुड़नी है तो दोस्तों उसका कार्य भी नहीं है, केवल दोस्तों यहाँ पे नवीन राशन कार्ड ही बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम। दोस्तों आवेदक का नाम जो भी होगा वो फिल करेंगे और उसका दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है आवेदक की जन्मतिथि। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदक की जन्मतिथि डालेंगे, यहाँ पे जिला सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आवेदक का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू NSDL पेमेंट गेटवे। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के लिए गेटवे है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो रेफरेंस नंबर देखने को मिल रहा है, इस रेफरेंस नंबर को आप लोग यहाँ पे लिख के रख लेंगे या दोस्तों यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से इस सेवा का ₹15 लेने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे QR कोड के माध्यम से करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये QR कोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू पे क्लिक करेंगे, ये QR कोड ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्कैन करके इसका पेमेंट कर देंगे। तो आप लोग पेमेंट करते हैं इस प्रकार से एरर आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग पुनः से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कुल लंबित आवेदन, तो कुल लंबित आवेदन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे ई साथी इंटीग्रेट सर्विस, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जितने भी आप लोगों ने रेफरेंस नंबर दिए होंगे वो देखने को मिल जाते हैं। जो भी दोस्तों है उसको यहाँ पे आप लोग ओपन कर लेंगे, यहीं से इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से रिसिप्ट मिलेगी। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे आपका पूरी डिटेल्स आ चुके हैं, जिला दोस्तों देखने को मिलेगा, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, तो दोस्तों यहाँ देखेंगे राशन कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस
प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे नया राशन कार्ड, तो दोस्तों यहाँ पे नया राशन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे पहला दोस्तों बेसिक डिटेल्स का है, उसके बाद एड्रेस डिटेल का है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फैमिली डिटेल का है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल है, फिर अटैचमेंट डॉक्यूमेंट है, फिर एनएफसी क्राइटेरिया, यदि दोस्तों यहाँ पे यस नो में रहेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे इतने स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या फिल करनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या फिल करनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की पूरी डिटेल्स दिखा दी जाएंगी, उसके बाद जिला ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट रहेगा, क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा नगरी या ग्रामीण जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विकास खंड आप लोगों का जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी होगी वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसके बाद कोटेदार का जो भी नाम होगा वो दोस्तों यहाँ पे फिल कर लेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं परिवार की महिला मुखिया का विवरण दोस्तों देना, यानी जो जिसके नाम बन रहा है उसके विवरण देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 18 अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो इस पर टिक करेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे केस में है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, मुखिया का हिंदी में नाम फिल करेंगे, यहाँ पे मुखिया का दोस्तों यहाँ पे आप लोग अंग्रेजी में नाम फिल करेंगे, यहाँ पे पिता का नाम दोस्तों मुखिया के पिता का नाम दोस्तों यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे मुखिया के पिता का नाम अंग्रेजी में फिल करना है, यहाँ पे पति का नाम फिल करना है, यहाँ पे दोस्तों आपके पति का इंग्लिश में नाम फिल कर देना है, यहाँ पे मुखिया की माता का नाम फिल करना है, यहाँ पे भी दोस्तों माता का नाम फिल करना है इंग्लिश में, यहाँ पे दोस्तों जो भी वर्ग होगा उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे जो दिया होगा वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मुखिया की जन्मतिथि जो भी होगी वो फिल करेंगे, उसके बाद मुखिया का दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड फिल करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फ्री भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैसा जो भी होगा गृहिणी दुकानदार जो भी है वो सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गैस की कनेक्शन की स्थिति हाँ नहीं जो भी है उसको दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पे एक कंपलसरी है वो कोई भी देंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों विद्युत का हाँ नहीं जो अगर कनेक्शन है तो हाँ नहीं तो नहीं कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी आधार संख्या उपयोग करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को सहमति देता अभिलिख देता हूँ, ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़े पे आप लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं सेशन एक्सपायर्ड प्लीज क्लोज द विंडो एंड लॉग इन अगेन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये किस लिए आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस साइड पे दोस्तों यहाँ पे वर्क चल रहा है, यहाँ पे दोस्तों अभी ये साइड पूर्णतः वर्क नहीं कर रही, बीच में दोस्तों हालांकि स्टार्टिंग में जब आई थी तो दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रही थी, लेकिन बीच में ये मेंटेनेंस इस पर किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे सुधार किए जा रहे हैं, इस वजह से दोस्तों ये एरर आ रहा है। आप लोग चाहे दिन में 10 बार 50 बार जितनी बार भी करेंगे यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दोबारा से पेमेंट नहीं करना, जब दोस्तों ये साइट मेंटेन हो जाएगी तब दोस्तों यहाँ से अप्लाई कर सकते। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।